राज्यपाल शासन के 6 माह खत्म होने के बाद कल से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सिफारिश और राज्य के हालात पर दी गई रिपोर्ट पर केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 370 एक्ट के तहत आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर विधायिका की सभी शक्तियों और अधिकारों का इस्तेमाल खुद या संसद के अधीन प्राधिकरण की तरफ से करने का ऐलान करेंगे। गौरतलब है कि राज्य में 18 जून को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार भंग होने के साथ ही राज्यपाल शासन लागू हो गया था। देश के अन्य भागों के विपरीत जम्मू कश्मीर में सीधे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता। राज्य संविधान की धारा 92 के तहत पहले 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लागू होता है। राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को निलंबित रखें या भंग करें। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता। ये राज्य संविधान की धारा 92 के तहत ही लागू हो सकता है और इसके बाद लिए जाने वाले सभी फैसले अनुच्छेद 74 की धारा 1 के तहत राष्ट्रपति के अनुमति से ही लिए जाते हैं।